माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी इंजय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad, Prabhupad. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। अब ये लोग बैठ गए हैं, अब लास्ट में जरूरत पड़ेगी जगह के, और आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा सा उत्तर साइड में हो जाइए। ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध देन बंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 14वें अध्याय का श्लोक 2, स्कंध 7 अध्याय 14 श्लोक 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच। गृहेषु अवस्थितः राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचितः वासुदेव अर्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्। श्री नारद उवाच। गृहे स्वावस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्। गृहे स्वावस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्। गृहे स्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्। माता जी, बच्चे बालक बोल सकते हैं।
श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, गृहेषु घर पर अवस्थित रुक कर, गृहस्थ सामान्यतया अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घर पर रहा करता है। राजन, हे राजा, क्रिया कार्य कुर्वन करते हुए यथोचिता उपयुक्त गुरु तथा शास्त्र द्वारा आदिष्ट वासुदेव भगवान वासुदेव को अर्पणम अर्पित करना साक्षात प्रत्यक्ष उपासित पूजा करे महामुनिन महान भक्तों को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, श्री नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, जो जन घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास करने की जगह इन फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस प्रकार प्रसन्न किए जाएं, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन की रूपरेखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 6:1 में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रिय। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनाशक्त रहता है और जो अपने कर्तव्य समझकर कर्म करता है वह सन्यासी है, वह वास्तविक योगी है। वह नहीं तो न तो अग्नि जलाता और न कर्म करता है। चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की तुष्टि हेतु कर्म करना चाहिए। यही प्रत्येक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्री नारद मुनि पूर्व में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी हेतु जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतएव अब यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। परमेश्वर को तुष्ट करने की विधि को यहाँ वर्णित की गई रीति के अनुसार सीखी जा सकती है। साक्षात उपासित महामुनिन, महामुनिन शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतया मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया, अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये मनुष्य भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति के बिना वासुदेवार्पणम की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है कि वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों में तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना समस्त काम समाप्त करने के पश्चात या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति भागवत का श्रवण करता था। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य अर्थात मुक्ति के बारे में सब कुछ बताता था। इसका स्पष्ट वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग
श्रीमद् भागवतम के उस अंश को सुन रहे हैं जिसको नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सुनाए हैं। वो कथा राजसूय यज्ञ में चल रही है। राजसूय यज्ञ में ऐसी घटना हुई, युधिष्ठिर महाराज बहुत आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य से भर करके भगवान के गुणों के विषय में प्रश्न किया। नारद जी उत्तर दे रहे हैं। उस प्रश्न के उत्तर के क्रम में प्रहलाद महाराज की कथा बोले, हिरण्यकश्यपु के उद्धार की कथा बोले। अब इन सब कथा को सुन करके युधिष्ठिर महाराज पुनः प्रश्न किए। युधिष्ठिर महाराज क्या प्रश्न किए हैं और इसको एक बार आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। याद आ रहा है क्या प्रश्न किए थे? ये भूल गया। भगवन स्रोत मिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम। अबे नारद जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो मनुष्यों के सनातन धर्म को सुनना चाहता। वर्णाश्रमाचार युतम यत पुमान बिंदते परम। मनुष्य जो वर्ण और आश्रम से युक्त हैं, वर्ण और आश्रम के नियम का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं और उससे उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बिंदते परम, परम का बहुत बहुत अर्थ किया गया था, कई एक ढंग से इसका अर्थ किया गया है कि जो हो एक अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि वर्णाश्रम से युक्त व्यक्ति का, जो विभिन्न वर्ण और आश्रम के हैं, उनका क्या धर्म है जिससे वे मोक्ष को प्राप्त कर जाए। और पहले नारद जी सामान्य रूप से सबका जो धर्म है उसका वर्णन किए, इसके बाद ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन किए, फिर वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन किए, फिर सन्यासी के धर्म का वर्णन किए। कोई बाकी रह गया है? गृहस्थ बाकी रह गए। अब नंबर देखा जाए तो उनका नंबर किस पर आता है? दूसरे नंबर पर। युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं तो ब्रह्मचारी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। उनको आशा था कि अब गृहस्थ का नंबर आएगा, उसको स्किप कर गए। वानप्रस्थी का वहां तक तो धैर्य रहा, अब सन्यासी का वर्णन किए। अब युधिष्ठिर महाराज को निराशा, लगता है कि गृहस्थों को मुक्ति नहीं मिलेगी। उनका प्रश्न तो यही था कि वर्णाश्रम से कैसे, क्या आचरण करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब क्रम जैसा है उसके अनुसार वो अब गृहस्थ का वर्णन आना चाहिए था दूसरे नंबर पर भी, लेकिन दूसरा तो फेल किया ही, तीसरा भी फेल कर गया। अब उनका धैर्य समाप्त होने लगा, फिर से वे प्रश्न कर दिए। प्रश्न तो पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से वे प्रश्न किए। कल आप लोग उनके प्रश्न को सुन चुके हैं। गृहस्थ एतम पदवीम विधिना जेन चांजसा याया देव ऋषे ब्रूहि मा दृशो मूढ़ गृह मूढ़। कहेंगे सबका तो बतला दीजिए, अब यह बतलाइए कि गृहस्थ कैसे इस पद को प्राप्त करेगा। जो गति सन्यासियों की होती है तो गृहस्थ इसको कैसे प्राप्त करेगा? हम लोग तो गृहस्थ हैं और मूढ़ थी। अब हम लोगों का विवेक बहुत काम नहीं कर रहा। देखिए
युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग मूढ़धी हैं। मूढ़धी कहने का क्या आशय है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को अब गणित जोड़ने की क्षमता कम है, ऐसा नहीं है कि वे अकाउंटेंसी में बहुत कमजोर हैं, बल्कि वो और अधिक जिम्मेवारी से सब काम कर देते हैं। लेकिन फिर भी मूढ़धी कह रहे हैं। उसका कारण है कि उनका अपने बेटा बेटी पत्नी में इतना मन लगा रहता है कि वे कुछ ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, जीवन के विषय में उचित निर्णय नहीं ले पाते। उनके चित्त पर तो बेटा बेटी घर परिवार यही छाया हुआ, और इसलिए उनका विवेक ठीक से काम नहीं करता है, चित्त का झुकाव उधर चला जाता है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि हम लोग मूढ़धी हैं। लेकिन हम गृहस्थ लोग भी उस पद को जो सन्यासी प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचारी प्राप्त करते हैं, तो यंजसा आसानी से प्राप्त कर सके उसको बतलाइए, उस उपाय को बतलाइए। तब अब नारद जी उत्तर देना प्रारंभ किए। देखिए, नारद जी को गृहस्थ धर्म का वर्णन करना ही था, लेकिन वे वर्गीकरण दूसरे ढंग से कर दिए। भाई सीक्वेंस में देखें, क्रम से देखें, तो गृहस्थ दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, लेकिन विभाजन का एक दूसरा भी ढंग है। अब उनके चेतना के आधार पर, उनके क्रियाकलाप के आधार पर विभाजन किया जाए तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी एक खाते में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सेक्स लाइफ का स्थान नहीं है। जौन प्रवृत्ति से इस क्रिया से दूर हैं। शास्त्र के शब्द में इसको निवृत्ति मार्ग कहा जाता है और गृहस्थी का मार्ग प्रवृत्ति का है। तो विभाजन का एक ढंग यह भी है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो नारद जी इस विभाजन को स्वीकार किए। अब निवृत्ति धर्म का वर्णन कर रहे हैं तो सबको कर ले, इसके बाद प्रवृत्ति का करेंगे। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज को तो घबराहट होने लगी, लगता है कि गृहस्थों को मोक्ष नहीं मिलेगा, इसी से छोड़ दी। तो इसलिए पुनः वे प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, बहुत लंबा लिस्ट है, उनका क्या धर्म है, और पूरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया। लेकिन प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें दो बात का उल्लेख कर रहे हैं, और एक दृष्टि से ये दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कह रहे हैं कि क्रिया कुर्वन यथोचितम वासुदेवार्पणम। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सब लोग सन्यास लेकर के ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, गृहस्थी में रह करके भी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जो गृहस्थी का कार्य है तो उसको करना ही पड़ेगा, गृहस्थी में है तो गृहस्थ के लिए जो आवश्यक है, जिम्मेवारी है, जो वेद का विधान है, उस कार्य को करना ही पड़ेगा। उस कार्य को करते हुए भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन दो चीज का ध्यान रखना होगा, वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। जो भी गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं और उसको ऐसे करें कि भगवान को अर्पित हो जाए। वासुदेवम, वासुदेव अर्पणम, इसको क्रिया विशेषण ले सकते हैं।
वासुदेवार्पणम कुरुवन, यथोचिता क्रिया वासुदेवार्पणम कुरुवन। गृहस्थी का जो कार्य है उसको कर रहे हैं, उसके त्याग का निर्देश नहीं दे रहे हैं, त्याग का उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके ढंग को बतला रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित होना चाहिए, एक बात। और उपासित महामुनि, और महामुनि भक्तों के उपासना करनी होगी। और साक्षात को कुछ लोग वासुदेवार्पणम के साथ रखे हैं, श्री प्रभुपाद जी साक्षात महामुनि उपासित। कर्म भगवान को अर्पित करना है और भक्तों का डायरेक्ट संग करना है, साक्षात उनका संग होना चाहिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक एक पर थोड़ा विचार कर लें। एक कर्म को भगवान को अर्पित करना है। गृहस्थी में है जो बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। गृहस्थी के स्वभाव का वर्णन है कि वहाँ कार्य का अंत ही नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण दिया गया है कि कोई किसान है, वो देखता है कि खेत में घास है और खेत को जोत देता है। एक बार जोता, एक बार जुताई किया तो घास पूरा खत्म नहीं होता। दो बार जोत दिया, अब धूप है तो एकदम कम हो जाता है। तीन चार बार जोत देने पर तो एकदम खत्म, अब घास कोई दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब घास उगेगा नहीं, थोड़ा दिन दो चार सप्ताह छोड़ देता है तो उसमें अब डाभा फेंकने लगता है, फिर घास आने लगता है। उसी तरह गृहस्थी का स्वभाव बतलाया गया है कि यहाँ कार्य का अंत नहीं होता है। लगता है कि हाँ अब समस्या निपटा दिए, अब थोड़ा फुर्सत, तब तक फिर नई समस्या आ जाती। और गृहस्थी स्वीकार किए हैं तो बहुत बहुत जिम्मेवारी भी दी गई है। अब देखिए, हम लोगों को कोई कोई बात कहने में संकोच होता है, लेकिन अब जहाँ सन्यासियों का क्लास है, सन्यास का ट्रेनिंग है और चीज है, स्पेशल ग्रुप है, तो स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि सेक्स लाइफ का बहुत बड़ा फीस है। अभी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और गृहस्थ हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत चीज तो समान ही है, एक बहुत भारी अंतर है। इस सन्यासी सेक्स लाइफ का त्याग किया और गृहस्थ उसको अंगीकार किया। अब सेक्स लाइफ अंगीकार किए हैं तो कोई अधर्म नहीं है, धर्म है, लेकिन इसका फीस बहुत अधिक है। सब जिम्मेवारी डाल दिया गया है, सबको खिलाओ पिलाओ सब करो, जितना नियम है सब गृहस्थों पर थोपा गया है। फीस है भाई, भोग में जीवन व्यतीत करो तो इतना फीस जमा करो। बहुत भारी फीस है। तो बहुत बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत बहुत जिम्मेवारी है। हम यह कह रहे थे कि ऐसे गृहस्थी के स्वभाव में है, व्यवहार में भी बहुत कार्य होता है और वेद के तरफ से भी बहुत जिम्मेवारी दिया गया है। पंच महायज्ञ करना है, रोज करना है, देवताओं को संतुष्ट करना है, अतिथि की पूजा, दूसरे जीवों के, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए, क्योंकि सबका ऋण है। एक तो सबका ऋण है, उससे उद्धार हो पाना है, और दूसरी बात कि गृहस्थी का ऐसा रूटीन है कि रोज हिंसा होती है, झाड़ू लगाने में, चूल्हा जलाने में, खेत जोतने में, मसाला पीसने में, पानी रखने में, तो हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसका रोज मार्जन करना होता है, तब बैलेंस होता है, नहीं तो इकट्ठा होकर के बहुत भारी हो जाएगा। तो बहुत बहुत कार्य है। तो कह रहे हैं कि
कुर्वन यथोचिता, जो भी गृहस्थी का कार्य है तो उसको करना है, लेकिन वासुदेवार्पण, उसको भगवान को अर्पित करके। यह बात बार बार हम लोग सुनते हैं कि अपने कर्म को भगवान को अर्पित करना है, लेकिन वे कर्म को अर्पित करना है इसका मतलब क्या, कैसे अर्पण किया जाता है। वे हम खेती कर रहे हैं और हमारे खलिहान में, हमारे घर में अन्न आया, तो हम अर्पित कैसे करेंगे उसको, कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ अर्पित करें, क्या करें। देखिए, अर्पण का स्वरूप ठीक से समझ लेना चाहिए। पहली बात कि अपने कोई भगवान को अर्पित कर दिए तो आपका सब कर्म भी भगवान को अर्पित है। जो अपने कोई भगवान को अर्पित कर दिया, अब वो भगवान का है, उसका अपना कुछ अहंकार नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं, तो जो भी क्रिया कर रहा है तो भगवान का हो जाएगा। तो सबसे सेफ मार्ग है अपने कोई भगवान को अर्पित कर देना, वो आप जो भी कर रहे हैं तो भगवान का ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टेज है कि अपने स्थिति को समझना चाहिए। भाई कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो जो पूंजी डाला है लाभ उसका होगा, अधिकांश तो उसी का होता है। जो संसाधन डाला, अब मैंने इकोनॉमिक शब्द में जो इनपुट डाला है तो आउटपुट उसी का हुआ ना। तो थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, उसे फल मिल रहा है, तो कौन उस क्रिया को संपादित कर रहा है, थोड़ा इनपुट साइड पर विचार करना चाहिए। अरे कहीं भी क्रिया, कोई कर्म कर रहे हैं तो अधिष्ठान चाहिए, किसी स्थान पर ही कर रहे हैं ना। और पृथ्वी कौन दिया है, कोई भी कोई कार्य कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, सब भूमि पर कर रहे हैं ना। तो भूमि आप कहाँ से लाए, आप इसका प्रोडक्शन किए हैं, आप इसको बनाए हैं, और भूमि भगवान बनाए। और अधिष्ठान ही नहीं, जो करता है, कार्य कर रहा है, उसको कौन बनाया है, अपने से आप बने हैं, आपका निर्माण भी तो भगवान ही किए। और जो शरीर में क्षमता है, हमारे इंद्रियों में क्षमता है, क्रिया शक्ति है, वह भी भगवान देते हैं। भगवान न दे तो इंद्रियां हम लोगों के साथ हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्रुव महाराज भगवान के सामने थे, बोलना चाहते थे, भगवान को देखे तो इच्छा हो रही थी कि कुछ स्तुति करें, लेकिन अब कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था, बोल ही नहीं पा रहे थे, चाह रहे थे कि बोले। भगवान जब शंख छुआए तो परात्म दर्शन, उनको ज्ञान हो गया, पर और आत्मा का, जड़ चेतन का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि किए, यह भगवान के तरफ से ही यह सृष्टि हुआ, ब्रह्मांड बन गया गोला, सब देवता लोग इसमें प्रवेश कर गए, लेकिन वे अपने कार्य को करने में असक्षम थे। भगवान जब उसमें प्रवेश किए और सबको एक साथ किए, तब वे अपने कार्य कर सके। तो जो सिद्धांत सृष्टि पर लगता है, ब्रह्मांड पर लगता है, वही सिद्धांत हमारे शरीर पर लगता है। शरीर में देवता है, हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन परमात्मा प्रेरित न करे, वे शक्ति न दे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे। तो सारा शक्ति तो वो दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जब भगवान ही सब कर रहे हैं, हमारे द्वारा वे करा रहे हैं, तो हमारा फल पर अधिकार बन रहा है, नहीं अधिकार बन रहा है, जो कार्य कर रहे उसका अधिकार है। लेकिन कठिनाई यह है कि इस ज्ञान में, इस चेतना में हम लोग रहते नहीं, भूल जाते, थोड़ा थोड़ा काम कर दिए, अहंकार होता है, हम कर दिए, सब्जी बना दिए, लोग पूछते हैं कैसा लगा, हाँ मैं बनाई थी
अरे तू जरूर बनाई, लेकिन तुम्हारे इंद्रियों में शक्ति भगवान दी है। और कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो भगवान की शक्ति से कर रहा है। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, उनको पालन कराना है तो सबको भिड़ा दिए हैं। तो इसे ज्ञान में रहना चाहिए, कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। और यह कोई वो गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, एहसान नहीं भगवान पर कर, विचार करेंगे तो यही सच्चाई है कि आप करने वाले नहीं हैं, करने वाले भगवान। सब संसाधन भगवान दिए हैं, भगवान कैसे कैसे सहयोग करते हैं वो गीता के 15वें अध्याय में सब बात को बतलाए। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के रूप में वह स्थित हैं, वह पकाते हैं, वे पुष्ट करते हैं, पृथ्वी में प्रविष्ट करके वे धारण किए हैं, हमारे इंद्रियों में प्रवेश करके वे शक्ति देते हैं, हमारे स्मृति वे देते हैं। तो सब कुछ करने वाले तो वे हैं, तो फिर हम किस बात का अहंकार करेंगे? ओ, कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब कर्तापन का अहंकार ही नहीं, कर्ता ही आप नहीं है तो भोक्ता होने का कोई सवाल ही नहीं। वह बिल्कुल सत्य है, करने वाले भगवान है। देखिए जो व्यवहारिक जीवन है, पालन का कार्य है, तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। खास करके बूढ़े लोगों को इतना अहंकार है, अब कुछ शरीर से कर नहीं सकते, लेकिन अहंकार, अरे हम न रहें तो इन लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, ये कुछ कर पाएंगे? ये तो मैं संभाल करके रखा हूं इन लोगों को। तो अहंकार उनको रहता है इस बात का। लेकिन अपनी स्थिति को आप जन्म के सिद्धांत से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बच्चे का जन्म होता है, प्रकट लोग देखते हैं, स्त्री पुरुष संग करते हैं, और स्त्री है अपने गर्भ से उसको उत्पन्न करती है। देखने में तो स्पष्ट लग रहा है ना कि पति पत्नी मिल करके बच्चे को जन्म दे रहा है, लेकिन थोड़ा तत्व से विचार कीजिए कि पति पत्नी जन्म देने वाले होते तो उनके इच्छा के विरुद्ध क्यों हो जाता है? कई एक दंपति हैं कि दोनों बहुत इच्छुक हैं लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। कई एक दंपति हैं कि उनके इच्छा होती है कि अच्छा अब दो पुत्री हो गई तो एक पुत्र हो जाए। अब कितना कितना देवी देवता को मनाते हैं, रोज वही इच्छा करते रहते हैं, और तब तक फिर पुत्री ही हो जाती है। कोई कोई सोचते हैं कि दो पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए, थोड़ा हेल्प करती। और कभी कभी देखा जाता है फिर पुत्र ही हो गया। यदि वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा होता? वे जन्म देने वाले नहीं, जन्म देने वाले भगवान हैं, उनके माध्यम से जन्म दे रहा है। तो जन्म के सिद्धांत को जैसे स्पष्ट समझ जाते हैं, ठीक यही सिद्धांत पालन के विषय में भी लागू होता है। तो सब कुछ करने वाले भगवान हैं, और इसलिए सदैव यह भावना होनी चाहिए कि भगवान करने वाले हैं तो फल उनका है, हमारा इस पर अधिकार नहीं है। तो यह भगवान का अर्पण हुआ, इस चेतना में कार्य करते हैं तो कोई बंधन नहीं लगेगा, कार्य का बंधन ही नहीं लगेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि जास्य नाहं कृते भावम, अरे तुम हत्या से डर रहे हो कि पाप लगेगा, वो यज्ञ से भी उसका निराकरण नहीं हो सकेगा। जिसको अहंकार नहीं है, अहम भाव नहीं, सारे संसार का वध कर देगा फिर भी उस पर बंधन नहीं लगेगा। तो बंधन क्रिया में नहीं है, बंधन चेतना में है। तो भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि सदैव इस चेतना में रहना चाहिए कि हम भगवान के एक टूल हैं, एक यंत्र हैं, भगवान हमारे माध्यम से करा रहे हैं, और भगवान हमको नियोजित किए हैं, तो फल पर हमारा अधिकार नहीं है। और कर्तापन
के भाव से दूर रहना, भोक्तापन के भाव से दूर रहना, इस चेतना में रह करके यह भावना रखना कि जो भी कार्य का फल आ रहा है तो वास्तव में भगवान कर रहे, यही अर्पण है। और यह कार्य कर रहे हैं और भक्तों का संग कर रहे हैं तो मोक्ष निश्चित मिल जाएगा, हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर जाएंगे। वो भगवान दो चीज कह रहे हैं कि कर्म करते हुए इसको भगवान को अर्पित करो और भक्तों का संग करो। भक्तों के संग से क्या लाभ होगा, वो भगवान की कथा मिलेगी। वो भक्तों की यह क्षमता है कि अपने वाक्य से हमारे आसक्ति का छेदन कर देंगे। देखिये श्रीमद् भागवतम में एक कथा है प्रचेताओं की। प्रचेता बड़े ही महान व्यक्ति थे, उनके पिता परम धार्मिक व्यक्ति थे, यज्ञ कर सृष्टि का विस्तार करने के लिए उनको आदेश दिए, पिता के आज्ञा का आदर करते हुए तपस्या के लिए निकले। रास्ते में शिव जी मिले, उनको मंत्र दिए और जैसा उपदेश दिए उसके अनुसार वे मंत्र का जप किए और 10,000 वर्ष तक जल में रह करके एकाग्र चित्त से मंत्र का जप किए, स्तोत्र का पाठ किए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देख करके प्रचेताओं को बहुत आनंद हुआ और भगवान भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। प्रचेताओं से कहने लगे कि तुम्हारे भाइयों के सौहार्द से बहुत प्रसन्न है और अपने से वर दे दिए कि जो व्यक्ति तुम लोगों का स्मरण करेगा तो उसका परिणाम होगा कि उसका भी भाइयों से स्नेह बना रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। और भगवान कह रहे हैं कि तुम लोगों को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा। अब तो प्रचेता लोग बड़े हैरत में पड़े कि अभी विवाह नहीं हुआ और भगवान कहने के पुत्र उत्पन्न होगा, बिना विवाह का पुत्र ही है, थोड़ा अटपटा बात लग रही थी। और भगवान कहे कि वृक्षों ने एक लड़की का पालन किया है तो वे तुमको अर्पित करेंगे तो उनको तुम स्वीकार कर लेना, विवाह का भी निर्देश दिए। अब फिर प्रचेताओं के मन में उलझन आ रहा है, यहाँ गृहस्थी तो बंधन का कारण है और भगवान हमको गृहस्थी में डाल रहे हैं, विवाह का निर्देश दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि गृहेश्वा विशतम चापि पुंसम कुशल कर्मणा मदवार्ता यात जामा नाम न बंधाय गृहस्मृता। जो व्यक्ति गृहस्थी को स्वीकार कर रहा है लेकिन दो कार्य करेगा तो गृहस्थी बंधन नहीं होगा। पहला कार्य कुशल कर्मणा, और कार्य में कुशल होना चाहिए। कार्य में कुशल होने का अर्थ है कि इस ढंग से कार्य करना चाहिए कि उसका बंधन न लगे। जब भगवान को अर्पित करेंगे, कर्तापन के भाव से मुक्त रहेंगे, भोक्तापन के भाव से मुक्त रहेंगे तो उस कार्य का बंधन नहीं लगेगा। इसको कहा गया कुशल कर्मणा। यह कर्म की कुशलता है, कर्म कर रहे हैं लेकिन ऐसे करें कि उसका बंधन न लगे। वो विधि अपनाने से संभव हो जाता है। नारद जी व्यासदेव को समझाते हैं कि आमयो यश्च भूताना, अरे जिस चीज से रोग होता है क्या उसी से चिकित्सा नहीं कर दी जाती है? दूध खूब गाढ़ा करके रोज खाएंगे कब्ज हो जाएगा, लेकिन उसी दूध को दही जमा करके मंठा बनाए, थोड़ा जीला जीरा काला नमक डाल दे तो उसी से कब्ज को दूर कर सकते। तो जो गृहस्थी बंधन का कारण है उसी गृहस्थी को एक विशेष चेतना में निर्वाह कर रहे हैं तो वही मुक्ति का कारण हो जाएगा। वो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करना है। और उपासित महामुनि, इसके साथ ही भक्तों का संग करना। भगवान कह रहे प्रचेताओं से मदवार्ता यात जामाना, कर्म को अर्पित कर रहा है और अपना समय हमारी वार्ता में हमारी कथा में बिता रहा है तो गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं होगा।
भाई कथा तो तभी सुलभ है जब भक्तों का संग करेंगे। भक्तों के संग करने से सुंदर मधुर कथा उपलब्ध होता है और इसके साथ ही हमारा पुत्र परिवार की जो आसक्ति है तो अपने उक्ति से अपने उपदेश से वे उसका छेदन कर देते हैं। व्यासंग उक्ति भी संत छिंदन्ते, व्यासंग उक्ति भी व्यासंग बी आ संग बहुत गाढ़ आसक्ति है और उसका भी छेदन कर देते हैं अपने उक्ति से। तो भगवान गृहस्थों के धर्म का निरूपण कर रहे हैं कई एक श्लोक में जिसको आप सुनते रहेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि अपना कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करे लेकिन कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान के उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। महामुनि, मुनि कहते हैं जो मननशील है, जो भगवान के लीला पर विचार कर रहा, भगवान के गुण पर विचार कर रहा है उसको मुनि कहते हैं। और यह महामुनि श्रील प्रभुपाद जी इसका अर्थ कर रहे हैं कि उसको सैद्धांतिक ज्ञान भी है और उसका आचरण भी कर रहा है तो उसको महामुनि कहा जाएगा। तो शुद्ध आचरण वाले जो भक्त हैं तो उनका संग करना होता, उनकी उपासना, उनके साथ बैठना, उनके स्थान पर जाकर के संग करो। और नहीं तो जा नहीं सकते हो तो अपने यहाँ बुला करके संग करो, लेकिन उनका संग आवश्यक है। तो दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण बतला रहे, अपने कर्म को अर्पित करना और भगवान के उन्नत भक्तों का संग करना। और क्या भगवान बोल रहे हैं इसको हम लोग आगे के कथा में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न और प्रसाद में प्रसाद का पलड़ा भारी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जो भगवान का चिंतन कर रहा है, सिद्धांत समझ गया है, वो मुनि है और अपने आचरण में उसको ला रहा है वो महामुनि है। प्रभुपाद जैसा है।